खरीदी केंद्र में अनियमितता को देखकर किसानों ने प्राइवेट व्यापारियों की ओर किया रुख। खरीदी केंद्र में किसानों ने सरकार के ऊपर वादा खिलाफी का लगाया आरोप, कहा अपने वादों से मुकर गई सरकार। बता दें कि खरीदी केंद्र में किसानों के द्वारा की गई अनियमितता की शिकायत के बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा तैयार किया है। किसानों का आरोप है कि खरीदी केंद्र में काफ़ी समय लगने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे भी किसान हैं जो कई दिनों से कृषि उपज मंडी में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। गेहूँ खरीदी केंद्र में प्रति क्विंटल 14 रुपये समिति के द्वारा लिया जा रहा है, जिसमें बरदाना सहित सिलाई, टैग और तौलाई की कीमत जोड़ी गई है। बता दें गेहूँ खरीदी केंद्र में किसानों ने कहा कि मिलने वाले पैसों में उनसे खाद एवं बीज के पैसे काटे जा रहे हैं। ऐसे भी किसान हैं जिनके द्वारा खाद एवं बीज बाहर से लिया गया था, लेकिन उनसे भी पैसे काटने की शिकायत की गई है। रीवा खरीदी केंद्र से आ रही शिकायत के बाद तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर किसानों से चर्चा की और पंचनामा तैयार कर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है। किसानों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री सहित वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा किसानों के लिए जो घोषणाएं की गई थी वह केवल भाषण तक ही सीमित रह गई है। हम उमरी गांव से आए सर। गेहूं लेकर आए? जी हाँ, गेहूं लेकर आए। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी है कुछ नहीं है सर, पर जो सोसाइटी में बेचा जाता है तो हम देखते हैं कि किसान जो है तो एक तो जो दूसरे बैंक से कर्जा लिए हैं तो किसान जो है तो किसानों को सोसाइटियों से खाद बीज नहीं दिया जाता है, फिर भी उनके ऊपर कर्जा जो है तो भार एक्स्ट्रा लादा गया है और लाद कर उसको बिक्री करता किसान तो कार्ड भी लिया जाता है ज़बरदस्ती। और फिर हम जो किसान चुकता भी कर चुके हैं और उनके पास अब चुकता कर चुके हैं पर्ची नहीं है कोई, फिर भी पैसा जो है तो काट लिया जाता है, ऐसा सिस्टम बना गया है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। समिति वाले क्या कह रहे हैं इस बारे में? समिति के बारे जो बोलता है वो देखेंगे समझेंगे बस हो गया। अभी चोराटा के हमारे उपाध्याय जी आए तो बोले थे कि धान में हमने 20,000 रुपये कट गया है और उसमें भी हमारा 20,000 रुपये कट गया। आप बताइए हैं, जब उसमें तब कट गया है चुकता हो गया है तो फिर क्यों स्टॉक उनका पैसा काटा जाता है? हैं, और दूसरी चीज ये है कि गेहूँ लेकर आए हैं जी जी जी, उसमें कितना ले रहे हैं आपसे? एक बोरी में, एक बोरे में 600 ग्राम जो होता है। 6 किलो 600 ले रहे हैं? 50 नहीं, 8 लेबर है, कहीं कहीं 800 भी ले लेता किसान को। भाई ऐसा नहीं देखी, किसान के को सुनैया नहीं आए। या तो यहाँ मान ले आई थी हम बजे तौलावा में तो ठीक है, नीचे से लेके बोबाई से जब तक किसानी के मिला थी तब वहाँ चल जाता किसानन की, यहाँ तो कुछ ठीक है। ये कम से कम गल्ला कचरा हुआ तब मारिन साफ करिन कैसो मैसो ले ली, तो किसान को ऐसा सुनैया नहीं कहा को, ना कौनो शासन ना प्रशासन ना कौनो सरकार।